हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम माइक्रोवेव ओवन। माइक्रोवेव ओवन सभी को पता है, आपको खाना गर्म करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है, इट इज़ अ डिवाइस यूज्ड इन किचन फॉर हीटिंग एंड कुकिंग द फूड। हीटिंग के लिए भी, गर्म भी करते हैं, कई लोग खाना बनाते भी हैं, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है, बेसिक माइक्रोवेव ओवन में होता क्या है, इसमें जो रेडिएशंस होती हैं, क्लियर, वो आपके फूड में जाएंगी। फूड से क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स हैं फूड के, वो एक दूसरे को वो एनर्जी क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। और वो एनर्जी जो आ रही है रेडिएशंस के थ्रू, वो उस फ्रीक्वेंसी पे मैच करती है जिसमें आपका पानी गर्म हो जाता है, ठीक है। तो उस एनर्जी के लेवल पे वो क्या करते हैं, गर्म करते हैं उसे, ठीक है। अब आप इसका एक एग्जांपल समझना, जैसे आपने पैटीज़ रखी, पैटीज समझते हो ना, जैसे समोसा होता है पैटीज़ भी होती है, पैटीज़ आपने रखी या आप कहीं बेकरी में खाने जाते हो, तो ऊपर से वो आपको नॉर्मल लगती है, ठंडी सी लगती है, ठीक है। लेकिन अंदर से जो आलू होते हैं उसके, जो पोटैटोज़ होते हैं, वो बड़े गर्म होते हैं। क्यों होते हैं गर्म, क्योंकि देखो पैटीज़ का जो ऊपर वाला पार्ट है उसमें इतने वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं है, लेकिन जो आपका पोटैटो है उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। तो वो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर एनर्जी आई, वो एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर रहे हैं अंदर, सीधी सी बात है। और वो बाहर से जो रेडिएशंस आ रही है, जो माइक्रोवेव ने दी है हम उसको, वो वाली एनर्जी है, समझ रहे हो, उन रेडिएशंस की एनर्जी उसके अंदर आई है। तो ऑब्वियस सी बात है, वो क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स में एनर्जी आ गई है, वो ट्रांसफ़र भी कर रहे हैं एक दूसरे को, तो उससे क्या हो रहा है, वो हीटअप हो रहा है। तो इसीलिए जो फूड वाटर कंटेनिंग होता है वो बड़ा आसानी से इसमें गर्म हो जाता है। और वैसे मोस्टली फूड में वाटर होता ही होता है, थोड़ा हो चाहे कम, ठीक है। और पोटैटोज़ में तो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। जैसे राइस है, राइस आप पुराने राइस रख दो ओवन के अंदर, तो क्या होगा, बड़ी जल्दी से गर्म हो जाते हैं और बिल्कुल फ्रेश लगते हैं, क्योंकि अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल है वो एक एक मॉलिक्यूल उसका क्या हो जाता है, वहाँ पर एनर्जी लेता है और जिसकी वजह से वो गर्म हो जाता है, तो एकदम फ्रेश राइस लगते हैं। और अगर आप गैस पे नॉर्मल करोगे राइस को गर्म, तो आपको पता चल जाएगा कि ये थोड़े पुराने राइस हैं बने हुए, ठीक है ना। लेकिन अगर ओवन में आप 4 दिन के राइस भी रख के गर्म करोगे, तो क्या होगा, वो बिल्कुल फ्रेश लगेंगे जैसे अभी बने हैं, ठीक है ना। क्योंकि उसमें क्या होता है, एक एक मॉलिक्यूल एनर्जी ले लेता है, समझ रहे हो ना, एकदम इक्वल एनर्जी से क्या होते हैं, सारे गर्म हो जाते हैं, क्लियर। तो यही बात यहाँ लिख रखी है, देखो, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ ओवन इज़ टू क्रिएट, क्या प्रिंसिपल है, इज़ टू क्रिएट द माइक्रोवेव रेडिएशंस ऑफ सुटेबल फ्रिक्वेंसी। माइक्रोवेव रेडिएशंस क्रिएट करेगा सुटेबल फ्रिक्वेंसी इन द वर्किंग स्पेस ऑफ ओवन, जहाँ भी खाना गर्म करना है आपको वर्किंग स्पेस ऑफ ओवन में, वेयर द फूड इज़ टू बी कुक, जहाँ पर आपको फूड गर्म करना है उसमें, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। क्या करता है, क्रिएट रेडिएशंस करेगा सुटेबल फ्रिक्वेंसी की, क्रिएट, क्लियर, जहाँ पर आपको खाना गर्म करना है, ठीक। एंड दिस रेडिएशन में मैच द रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, और ये जो रेडिएशन है ये क्या करेगा, मैच करेगा रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, जो वाटर मॉलिक्यूल्स की रोटेशन की रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी है उससे मैच करेगा, विच इज़ अबाउट 3 GHz, जो कि होते हैं 3 GHz के अबाउट। एंड इन दिस सिचुएशन द एनर्जी फ्रॉम द वेव इज़ ट्रांसफर्ड एफिशेंटली टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, और इस सिचुएशन में क्या होगा, जो एनर्जी होगी वो वेव से ट्रांसफ़र हो जाएगी कहाँ पर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। काइनेटिक ऑब्वियस ही बात है, वो क्या होंगे, रोटेट शुरू हो जाएंगे उन्हें मॉलिक्यूल्स जो हैं, ठीक है। एंड द माइक्रोवेव ऑफ दिस फ्रिक्वेंसी इज़ ऑफ एनर्जी इक्विवेलेंट टू हीटिंग अप वाटर, और जो माइक्रोवेव है ऑफ दिस फ्रिक्वेंसी इज़ ऑफ एनर्जी इक्विवेलेंट टू हीटिंग अप, मतलब क्या हो गया कि ये जो माइक्रोवेव, द माइक्रोवेव ऑफ दिस फ्रिक्वेंसी इज़ ऑफ एनर्जी इक्विवेलेंट टू हीटिंग अप वाटर, और जो माइक्रोवेव की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो, उसकी जो एनर्जी होती है वो किसके इक्वल होती है, हीटिंग अप वाटर के। व्हेन द माइक्रोवेव ऑफ दिस फ्रिक्वेंसी फॉल ऑन द फूड, और जब ये माइक्रोवेव की फ्रिक्वेंसी फॉल करती है फूड आइटम पे कंटेनिंग वाटर, जो कि वाटर कंटेन कर रहे होते हैं फूड में, मोस्टली सभी ने किए होते हैं, लाइक वेजिटेबल्स एक्सेट्रा, ठीक है, placed in oven and the water molecules absorb these radiations, और ये क्या करेंगे, water molecules absorb करेंगे इन radiations को, and their energy increases, और उनकी energy क्या हो जाएगी, increase हो जाएगी, and the molecules share their energy with their neighboring food molecules, और वो क्या करेंगे, अपनी energy को share करेंगे साथ वाले food molecules से, और इसकी वजह से क्या होगा, due to this the entire food get heated up, और इसकी वजह से क्या होगा, पूरा का पूरा food heated up होगा। कितनी बात clear है, यही बातें यहाँ लिख रखी हैं, their energy increases and the molecules share their energy with the neighboring फूड मॉलिक्यूल्स, ड्यू टू दिस द एंटायर फूड गेट हीटेड। और बाद में लिखा हुआ है, इन माइक्रोवेव ओवन वी शुड यूज़ द पोर्सिलेन वेसल्स, पोर्सिलेन वेसल्स यूज करते हैं, ठीक है, अलग मटेरियल होता है ये आपका, एंड नॉट मेटल कंटेनर, मेटल वाले नहीं रख सकते हम कुकिंग के लिए वहाँ पर, ठीक है, क्यों, इट इज़ रिक्वायर्ड टू अवॉइड द डेंजर ऑफ गेटिंग इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है, क्योंकि मेटल के अगर अंदर रखोगे उसमें आप, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, मेल्टिंग ऑफ मेटल्स भी हो सकती है, मेल्ट भी हो सकता है मेटल, तो आपके खाने में मिल सकता है, तो वो नुकसान करेगा आपके लिए, ठीक है ना।
तो इसलिए पोर्सिलिन वेसल्स ही यूज़ करते हैं माइक्रोवेव ओवंस में। तो क्लियर हो गई है बात। तो मेनली बात क्या है, एनर्जी ट्रांसफ़र होती है किसमें, फूड के वाटर मॉलिक्यूल्स में। क्लियर है, वो वहाँ पर क्या करते हैं एक दूसरे को अब एनर्जी क्या करते हैं ट्रांसफ़र करते हैं, जिसकी वजह से खाना गर्म होता है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। तो यहाँ पर भी ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।